मेरा नाम है मोहम्मद सैफ, मैं नागपुर का रहने वाला हूँ, महाराष्ट्र का। मेरा रहना है यशोधरा नगर में। मैं ई रिक्शा चला रहा हूँ 4 साल से। मेरा सिविल लाइन का काम है, अपना सवारी का भी काम हो जाता है, अनलोडिंग भी हो जाती है। जब इसमें मेरी गाड़ी जब मैंने कंपनी से लिया 1 लाख 1.5 लाख में, तो चाइनीज बैटरी लगी थी, तो वो तो 6 महीने में खराब हो गई, लेकिन कंपनी वाले ने बदल के भी नहीं दिए और मैं लंबा भाड़ा भी नहीं मार सकता था। मैं डरता था, जैसे यहाँ से अपने को जाना है बुट्टी बोरी, तो मैं डरता था, नहीं जा पाता था। तो मेरे टर्मिनल भी जल गए थे और वो मेरे को सर्विस नहीं दी उसने, 6 महीना खराब हो गए, टर्मिनल जल गई। मैं कंपनी गया, इन कंपनी में मैं शारदा कंपनी का आया, वहाँ सोल्डर मार दिए और मेरे को चला दिया, वो चली नहीं बैटरी। और जब से मैंने ईस्ट वैन डाली है, इसमें मेरा चार्जिंग भी बचता है और बैटरी का पानी भी बचता है, और जो अपने घर का लाइट बिल है वो भी कम आता है, एवरेज भी अच्छा देती है। ये 120 किलोमीटर चलती है 10 घंटे की चार्जिंग में, और इसमें कैसा है, 2 पैसा इंसान कमा भी लेता, धंधा भी अच्छा कर लेता है। जब से मैंने ईस्ट वैन बैटरी डाली है, तो मैं इससे अच्छा भाड़ा भी मार ले रहा हूँ और मैं ज़्यादा दूर जाने से डर रहा भी नहीं हूँ। ईस्ट वैन की जो बैटरी है, इसमें ना मेरा भाड़ा चार्जिंग भी बहुत कम लगती है, बिल भी बहुत कम आता है, और जो बैटरी का पानी वो भी बहुत कम लगता है। मेरे को इसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा। ये 9 महीने वाली बैटरी 2 साल 3 महीना चली, इसका मेरे को परफॉर्मेंस भी अच्छा लगा। ये बैटरी में ना पानी लगता है ना ज़्यादा बिल आता है। अब मैं सभी अपने भाइयों को बोलूँगा कि आप सभी लोग ईस्ट वैन की बैटरी डलवाएं, चाइना बैटरी से बचे और ईस्ट वैन डलवाएं। समझदार इंडियन की पहली पसंद ईस्ट वैन बैटरी, फर्स्ट चॉइस ऑफ द वाइस इंडियन ईस्ट वैन।